हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे बोर्ड चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो स्टूडेंट, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि हमने हरियाणा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है। और इस वीडियो से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, और जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी आपके पास भी मौका है उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का, है ना। अब देख लीजिए भाई, अगर जहां से हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन ने पढ़ाई की थी इसका मतलब बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी रही होगी, तभी वो इस पोजीशन तक आज पहुंच पाए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे जो हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप देख सकते हैं, प्रोफेसर या फिर डॉक्टर जगबीर सिंह जो कि चेयरमैन है, इन्होंने अपनी पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से की थी और आप कैसे उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो काफी इंफॉर्मेशनल वीडियो ये रहने वाली है। देखिए, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और जब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो इनका पूरा रिज्यूम निकल के आ जाएगा सर का, ठीक है। तो पूरे सर का जो रिज्यूम आप देख सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे दिखाई दिया, जो आप सभी को देखो, है ना, हम सोचते हैं कि भाई जो चेयरमैन साहब हैं इतने बड़ी पोजिशन पे हैं आज के टाइम पे, उन्होंने पढ़ाई कहां से की होगी, क्या उनकी जर्नी रही थी, तो मैं आपको सारा बताऊंगा। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, ये इनकी कुछ उपलब्धियां दिखाई गई हैं, बहुत बढ़िया इनकी जर्नी रही है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो इनके क्वालिफिकेशन मेंशन है इसके अंदर, इनकी जो एजुकेशन मेंशन है इसके अंदर, वो देखिए इन्होंने एजुकेशन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है जी, है ना, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, है ना, विद 60.31% इन 1983, 1983 में इन्होंने अपनी बीएससी एग्रीकल्चर की थी। कहां से की थी जी? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कहां से? सीसीएसएचएयू, है ना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में है। तो इन्होंने, है ना, अपनी पढ़ाई देखिए, अभी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले इन्होंने एचएयू से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, उसी के बाद एचएयू से ही एमएससी एनिमल साइंस की पढ़ाई की, एंड उसी के बाद एचएयू से ही इन्होंने पीएचडी की। और जैसे ही आप पीएचडी कर लेते हैं आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मैंने बताया था कि इनके नाम के आगे प्रोफेसर भी लगा हुआ है एंड डॉक्टर भी लगा हुआ है। उसका डॉक्टर लगने का एक रीजन ये भी कि इन्होंने अपनी पीएचडी की हुई है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, या आप कहीं से भी पीएचडी कर सकते हैं, और इन्होंने प्रोफेसर की जॉब भी की हुई है, है ना। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। कहने का मतलब है, मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई, जो मेजर पढ़ाई होती है, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, 11 12th तो करते ही हैं बच्चे, है ना, हालांकि इसमें तो 10th के बाद भी एडमिशन होते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर। तो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई आपकी इन्होंने की है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो कि एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक है, इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक है। तो स्टूडेंट, अगर अभी आपने 10th के पेपर दिए हैं या फिर 12th के पेपर दिए हैं तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, एचएयू हिसार के अंदर। तो चलिए भाई, ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, और भी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं सर के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। अब सबसे पहले देखिए, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 है, ठीक है, हिसार के अंदर ये है, बहुत ज़्यादा बड़ी, एक बहुत ज़्यादा एकड़्स में ये यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना उसको लेके भी एक वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए भाई, यहाँ पे एडमिशन कैसे ले सकते हैं सर, है ना। तो भाई, जिन भी बच्चों ने अभी 12th की है, अगर उनके पास 12th में मेडिकल या नॉन मेडिकल है, या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो उनको बोला जाएगा, वो एडमिशन ले सकते हैं। किसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं भाई? इसे हम बोलते हैं एचएयू बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये जो है अभी 10th के जो एग्जाम जिन स्टूडेंट्स ने दिए हैं, 10th के एग्जाम जिन स्टूडेंट्स ने दिए हैं वो ये रहा। तो यहां पे एलिजिबिलिटी क्या, 10+2 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके 50% मार्क्स हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसका एंट्रेंस होता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। 4 ईयर में जो सीट होती है, 4 ईयर का मतलब होता है भाई 12th के बाद 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर होगी, ठीक है। 170 सीट है, ये तीन कैंपस है, एक हिसार के अंदर ही कैंपस है, एक कोड़ के अंदर और एक बावड़ के अंदर कैंपस है, तीनों की मिला के 170 प्लस सीटें हैं हरियाणा रेजिडेंट के लिए। जो पेपर होता है इसका, उसमें 100 क्वेश्चन या तो बायोलॉजी के आएंगे अगर आपके पास मेडिकल है ना, 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे या फिर 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, है ना। फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन होते हैं, और इनका जो सिलेबस होता है वो 11th 12th का सिलेबस होता है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। पेपर का जो मीडियम वो इंग्लिश, कहने का मतलब है कि अगर आपको HAU में BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करोगे, मैं इस वीडियो के डिटेल में आपको बता रहा हूंगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है भाई, आप पहुंच सकते हैं। एक और प्रोग्राम अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया, 2020 में ये स्टार्ट किया गया है, जिसे हम HAU BFSC बोलते हैं, HAU BFSC बैचलर डिग्री इन फिशरीज साइंस। इसमें सिर्फ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर वाले, मैथ वाले बच्चे BFSC में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी भी यही है कि 12th आपकी या तो आप अपीयर हो या पास होने चाहिए आप, ठीक है। इसका भी सिलेबस, इसकी सीटें सिर्फ 20 हैं, अभी रिसेंटली ये नया कोर्स स्टार्ट किया गया है HAU के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन या तो बायोलॉजी का आएंगे, एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के वही 2.5 घंटे का पेपर, वही सारा पेपर पैटर्न, वही सारा सिलेबस। उसके बाद एक और तरीका है भाई, जिन भी बच्चों ने अभी 10th की हाल में, तो उनके लिए एक और तरीके से एडमिशन होते हैं HAU के अंदर, वो होता है आपका BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम, है ना। इसे हम 2+4 भी बोलते हैं भाई, 2+4। इसकी एलिजिबिलिटी होती है मैट्रिक, 10th वाले बच्चे इसके लिए अपियर कर सकते हैं, 10th वाले स्टूडेंट। तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th में, ठीक है। इसकी जो 55+ सीटें होती हैं भाई ऑल इसमें HAU के अंदर, जो बावड़ कैंपस होता है वहीं पे एडमिशन होता है 6 ईयर वाले बच्चों का, इसमें 55 सीटें होती हैं। इसका जो पेपर होता है 60 नंबर की, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं एंड 40 क्वेश्चन आपका जर्नल साइंस 10th लेवल के आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इसका जो पैटर्न है यानी कि मीडियम वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। अब बात यह आती है सर, ठीक है, ये सारी बातें आपने बता दी, अब इसके फॉर्म कब निकलेंगे और तैयारी कहां से करनी है भाई। इसके फॉर्म निकलते हैं नॉर्मली, जब कोविड सिचुएशन नहीं थी तो अप्रैल लास्ट में या मई में फॉर्म निकल जाते थे। इस बार भी संभावना ऐसी है कि मई लास्ट में आपके फॉर्म निकल सकते हैं, और इसका जो एंट्रेंस होता है वो जुलाई या अगस्त में हो सकता है ना। मई में फॉर्म निकलेंगे, 10th और 12th वाले बच्चे बड़े एक्टिव होकर सुने इस बात को, मई में फॉर्म निकल सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, एंड अगस्त में या जुलाई लास्ट में आपका पेपर हो सकता है, ठीक है। अब बात आएगी सर, हमें इसके बारे में और बहुत जानकारी चाहिए, क्या सिलेबस है ना, एंड जो पिछले साल की कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ है, और बहुत सारी डिटेल्स आई है इनके बारे में, तो उसके लिए आपको YouTube चैनल पे ही जाना है, ठीक है, YouTube के ऊपर ही जाना है। ये हमारा दूसरा चैनल है, प्राइमरी चैनल है ये हमारा, है ना, पढ़रे के नाम से ही हमारा चैनल है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस। जो भी बच्चा BSc एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करना चाहता है, VLDA की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो आएगा पढ़रे ऑनलाइन क्लासेस पे, है ना। यूट्यूब के ऊपर चैनल है, यहाँ पे देखिए 610 वीडियोज अपलोड कर रखी है। ये सारी की सारी वीडियोज जो है वो BSc एग्रीकल्चर VLDA के ओरिएंटेड है, 610 वीडियो। तो जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो फटाफट से यहाँ पे पहुंच जाए, इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां से आपको जानकारी मिलेंगी। उसके बाद देखिए भाई, ठीक है सर, यूट्यूब से तैयारी तो नहीं होती क्योंकि कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं होता है, तो हमने एक नया क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ भाई। ये हमारा पेड कोर्स रहता है स्टूडेंट, ठीक है, ये पेड कोर्स रहेगा हमारा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2022 में HAU BSc एग्रीकल 6 ईयर हो या 4 ईयर हो, तो इनका हमने एक नया बैच स्टार्ट कर दिया, 25 अप्रैल से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। एक नया बैच हमने स्टार्ट किया जिसकी क्लासेस 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गई हैं। तो जो भी बच्चे डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उनका ड्रीम है कि जहां से बोर्ड के चेयरमैन पढ़े हैं वहीं से हमको भी पढ़ना है एंड उनसे भी ऊंची पोजीशन के ऊपर जाना है, तो उनको एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर लिखनी है सक्सेस की स्टोरी तो अर्ली स्टार्ट है जरूरी, ये बात भी सही है। अब कुछ बच्चे क्या है, देखिए HBSC बोर्ड वाले बच्चों के लिए एडवांटेज ये है कि उनके पेपर हो गए हैं, CBSE बोर्ड वालों के पेपर बहुत लेट तक चलेंगे, है ना, 7 जून तक पेपर चलेंगे, तो आपके पास एक एडवांटेज है
कि आपके पास एक महीना एक्स्ट्रा मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स इस मौके को जाने ना दें, फटाफट से हमारे पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस वाले चैनल पे आए, वहां पे वीडियोस देखें, और जो भी बच्चा पूरे डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहता है वो हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सिर्फ तैयारी करने वाले बच्चे ही कॉन्टैक्ट करें, जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं वही कॉन्टैक्ट करें और बच्चे कॉन्टैक्ट ना करें, ठीक है। तो ये दो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, ये एग्री वाले हैं भाई, ठीक है, बोर्ड्स वाले नहीं है ये कॉन्टैक्ट नंबर, पढ़ रहे एग्रीकल्चर चैनल से रिलेटेड ये आपका रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर। आपको कोई जानकारी चाहिए तो इनके नंबर, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा, है ना, कि भाई किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना बढ़िया रहता है और सिलेक्शन जो है काफ़ी अच्छे से श्योर हो जाता है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन आप सभी के लिए रहेगा स्टूडेंट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशनल लगी है, और आप अगर 10th या 12th क्लास में नहीं है, फ्यूचर में होंगे, या आपका कोई भाई बहन है, तो इस वीडियो को वहाँ तक जरूर पहुँचाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर बनता है आप सब।